हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ हेरा फैसल। और आज मेरा ये जो हुलिया बना हुआ है इसलिए बना हुआ है क्योंकि मुझे जैनम ने बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे उठाया है और बोला है कि मैं अपनी स्विमिंग क्लास के लिए लेट हो रही हूँ और मुझे छोड़ के आओ। क्या करना है आज, मुझे छोड़ने जाना है आपने? मुझे तुम्हारा ड्राइवर बनना है भाई। स्विमिंग क्लास में मुझे कौन से नफरत का सवाल है? चलते हैं तो मैं छोड़ रहा हूं क्योंकि हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। okay. जैनब, गाड़ी की चाबी तो लेके आओ। अगर चाहती हो ना कि छोड़ के आऊं तो सारे काम करने पड़ेंगे तुम्हें। मेरे छोटी बहनों को आप यही धमकी दे सकते हो भाई। क्या मेरे सैंडल गुम हो गए थे, पहन कर जाने थे। जैनब, ये कोई टाइम है तुम्हारे सैंडल गुम करने का? मेरे शूज पड़े होंगे, मेरे शूज भी लेके आओ, पिंक कलर वाले मिले। जैनब, टाइम नहीं है, ये चीजें तुम्हें पहले करके रखनी चाहिए थी। अब मुझे तुमने पूरा टिप टॉप तैयार करके खड़ा कर दिया गर्मी में और अब तुम अपने सैंडल ढूंढ रही हो। इसमें पापा भी होते हैं। मामा बस मेरे वो पिंक जैनब सामने पड़े हुए दिख नहीं रहे तुम्हें, तो मैं ये नहीं कहूंगी कि छोटी बच्ची हो क्या। आधा घंटा तुमने लगा दिया और मेरे शूज ये पड़े हुए, पहन क्यों नहीं रही हो? वेट किस चीज का है? मामा सॉक्स ला दिया। मैं यहाँ पे ना तुम्हारी नौकर नहीं खड़ी हुई। मेरी कॉल आ रही है, रुको देख, आए अर्जेंट भी हो सकती है। हेलो, आ रही हूँ, बस आ रही हूँ, दो मिनट। उसी को बस गेट के बाहर पहुँच गए हम, बस आ रहे आ रहे हैं। उसी को तुम पूल में उतरो, मैं आ रही हूँ स्विमिंग करने। आ रहे आ रहे हैं, ये लो। ठीक है, पकड़ो अपने खुले सॉक्स। क्या बदतमीजी है ये यार, देखो मैं कितने अच्छे बच्चों की तरह पहन रही हूँ। जल्दी मैं हिरापी आपको कब से कह रहा हूँ, जल्दी करो जल्दी करो, तो हिरापी बाहर चिड़ियों को खाना देने जा रही है। बार बार बोल रही है यार, शूज तो पहन लूं, आता हूँ फिर। चलो जैनब, अब आजा, मैं वेट कर, जल्दी आओ। अब क्या हो गया? इधर लाओ ना, मैं वहां बैठूंगी, यहां नहीं बैठूंगी। अच्छा, गाड़ी मैम के लिए इधर लेके आओ भाई। टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत गर्मी है, गाड़ी भी बहुत गर्म है, लाती हूँ, सबर कर लो। चल रहा है ना, क्यों अब मैंने गर्मी में खड़ा हुआ हूँ यार, गाड़ी बहुत गर्म, सेट करने में टाइम लगा। एक्चुअली मेरा गाड़ी बहुत गर्म थी। ज्यादा बातें नहीं करो, अपनी चीजें पैक करो और जाकर स्विमिंग पूल में कूदो। बताओ स्विमिंग आती है तुम्हें? बोटिंग आती है, स्विमिंग सिखाते हैं स्कूल में, पैसे भी लिए उन्होंने। बच्ची यहाँ पे कुछ पेड़ फ्री में नहीं मारता तो मैं फिर स्विमिंग सिखा रही हूँ। हमने जैनब के फ्रेंड को पिक कर लिया, जैनब इस टाइम फोन में बिजी है। मामा को मेरी, पापा को मेरी शिकायतें लगा रही हो जैनब, बहुत बुरी बात है। वैसे पापा को मेरी शिकायतें लगा रही हूँ? नहीं, मैं कह रही थी हिरापी लेट आ रही है, हाँ मेकअप करने में टाइम लगाती है। और आज तुम मुझे रास्ता बताओगी कि तुम कह रही हो कि कोई एक शॉर्टकट है जहाँ से हम जल्दी पहुँच जाएंगे, तो वो मुझे शॉर्टकट यहाँ से जब आप यूँ करके जाओगे ना, यहाँ से ना वो जैसे आप जाते हो मुझे बता देना कहाँ से राइट, मुझे ये ना बताओ यहाँ से। हाँ वो मैं बता रहा ना, मुझे लग रहा है टाइम बहुत कम है और तुम नहीं पहुंच पाओगी, उन्होंने तुम्हें गेट से ही बाहर निकाल देना। मैं 60 की स्पीड पे जा रही हूँ प्लीज, लेकिन 100 की स्पीड में, 200 की स्पीड में, बट मैं फिर भी थोड़ा सा कर रही हूँ। पापा कहते रेस को दुबाना ऐसा है कि पेट्रोल कह रहे हैं मुझे दुबाओ। आजकल वाकई पेट्रोल की बहुत ज्यादा, तुम्हें यहाँ से पता ही होगा है ना, खुद को पता नहीं है तुम्हें तो उससे। हाँ यार मुझे पता है, लेकिन अभी हाँ बहुत लेट हो गया है यार, कैसे पहुंचेंगे हम? ठीक है, आपने सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, ठीक है? मैं घबरा नहीं, अगर आप घबरा गए तो आपका कुछ नहीं हो सकता। कट आएगी यार, जो कट आएगा ना, लेफ्ट राइट 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 पे आ रहा है, लेफ्ट बहन यहाँ पे इधर ही राइट। बेचारा सामने वाला अंकल देखो, हेलो, सामने वाला नहीं, जान के बीच में फंसाई, पता नहीं। चलो अंकल को देख लो वहाँ पर, अंकल जी साइड पर हो जाए, मोड़ते हैं ना जब पापा राइट होते हैं ना, तो पापा भी पीछे की तरफ से जाते हैं। अच्छा मुझे बता दो क्या मतलब। हाँ यही मुड़ना, यही मुड़ना, मुझे याद आ गया। ओके, मतलब सही जा रहे हैं। यस, क्योंकि मैं पहले इस रास्ते पे कभी नहीं आई हूँ और मैंने इस एरिया में कभी ड्राइव नहीं। अच्छा, पापा वो सामने वाली रोड से यहाँ आते हैं ना, तो मुझे इसलिए लगे यही रोड है यहाँ मुड़ना। अच्छा शॉर्टकट है, अगर हम टाइम पे पहुंच, यहाँ सीधा सीधा बस आपने जाना है, ठीक है? उसके आगे काम है मेरा बताना। हम जीत गए लेकिन अभी भी टाइम 1:16 हो रहा है, स्विमिंग क्लास खत्म हो गई, बिस्सी से वापस आ जाएंगे, बहुत बुरा होना। पता चले जैनब स्विमिंग क्लास उसकी मिस हो गई और घर आके नहा रही है स्विमिंग क्लास की याद में। स्विमिंग पूल है ना घर में, कोई बात नहीं। यहाँ से किधर? यहाँ से जहाँ व्हाइट गाड़ी जा रही है ना, इसको फॉलो कर। पता छांगा मांगा किधर है?
पाकिस्तान से बाहर है? मैंने तो सुना वो लगाता है, ट्रिप जाता था छोटे होते, तो छांगा मांगा मम्मा हमने छांगा मांगा जाना है। बच्चों के सहारे आ जाऊंगी, वापस कैसे आऊंगी? मेरा दिल कह रहा है तुम्हारे साथ आऊं, तुम्हारी स्विमिंग क्लास में तुम्हें डुबकियां लगवा दूं जाके, और मैंने आपको स्विमिंग पूल में फेंक देना। रास्ते से लेके आए हो ना, बिलीव मेरी खोपड़ी ना उल्टी हुई हुई है, मुझे समझ नहीं आ रही। मैं जगह पे पहुंच भी गई हूँ लेकिन ऐसा लग रहा है कि मैं अभी भी मुझे रास्ता भूल गई। अब छोटे आपको नहीं पता लगा ज्यादा? 1:30 हो गया, 1:10। तो जी ये बच्चे हो गए हैं लेट, इनके साथ इनकी अम्मी बन के अंदर जाऊंगी और पूछने के यार स्विमिंग करवा सकते हैं कि नहीं, ये ना वो इन्हें उल्टे पाँव वापस ही भेज दें। कैसे खोलेंगे? वो खोल रहे हैं। तो अब हम पहुंच चुके हैं ज़ैनब के साथ, वो बच्ची नहा के आ गई और तुम लोग ऐसे ही। मैं तो कहूँगी वो यही कहेंगे आप लोग बेटा घर जाके डुबकियाँ लगा लो। वही हुआ जो जिस चीज़ का डर था, इनको स्विमिंग क्लासेस इनकी ख़त्म हो चुकी हैं, इनको धक्के देके निकाल दिया गया और मैं रिज़ल्ट का वेट कर रही हूँ कि कब इनका रिज़ल्ट आएगा। तो अब हम लेने जा रहे हैं ज़ैनब का रिज़ल्ट। ज़ैनब का स्कूल कुछ तुम्हारे रिजल्ट देख के मैं तुम्हारे कान खींचूंगी कि तुम्हारा रिजल्ट क्या आया। ठीक है, डर लग रहा है? फिर भी थोड़ा सा भी डर नहीं लग रहा, लेकिन अगर गंदा आया ना तो यकीन करो मैं तुम्हें डराऊंगी, ज़रूर डराऊंगी तुम्हें। नाउ वी हैव ज़ैनब का रिजल्ट और इसको मैंने अभी खोला नहीं है। प्लीज ना अभी खोलो, गाड़ी में जाके चेक करेंगे। क्यों अभी? बंद करो इसे, चल अभी। क्या ना अभी मैं तुम्हें यहाँ तक सामने डालूँ? नहीं नहीं, पापा के सामने खोलो। जानो प्लीज। ज़ैनब कर ली स्विमिंग? मजा आ रहा है तुम लोगों को? बल्कि तुम लोगों को मैंने स्विमिंग करता देखा भी और मुझे बहुत अच्छा लगा, पता है तुम लोगों को? मत बताना। साथ ही मेरे हाथ तुम्हारा रिजल्ट लग गया, वरना पहले ना लगता तुमने दिखाना ही नहीं था घर। बहुत अच्छा आया, मैं रिजल्ट दिखाऊंगी। जैसे तुम्हारी स्विमिंग हुई आज, हाँ। वैसे ही तुम्हारा रिजल्ट भी अच्छा आया, राइट? अब घर जाके ज़ैनब ठंडे पानी से नहाना। हाँ, बहुत। चलो ज़ैनब, गर्मी है, अपना रिजल्ट पकड़ो, मेरा बैग पकड़ो, बाद में खोलना। पोजीशन से मिली होंगी कि पोजीशन वाले काम ही नहीं किए? यार वाकई बहुत गर्मी है बाहर। सर्टिफिकेट भी मिला है स्विमिंग ना करने का। ज़ैनब इतने अच्छे तुम्हारे ग्रेड्स आए, इतना तुम पढ़ती तो नहीं थी हिरापी, इतना तुमने पढ़ा तो नहीं है वाकई। क्योंकि हिरापी देखो ये तो वही हिसाब हो गया कि जिस वक्त हम फोन यूज करते हैं। 250 में से 214 मार्क्स और फिर आगे 250 में से 224 मार्क्स हर सब्जेक्ट में, और तुम्हें मिले हैं हिस्ट्री में 250 में से 212। रियली देखो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी का अवार्ड मिला, हर बच्चे को डिफरेंट मिलता है। नहीं वैसे ज़ैनब रिस्पॉन्सिबल क्लास में मैं प्रीफेक्ट बनी थी। छोटा सा क्या है देखो, बॉल पेन मिला नहीं रहा। हिरापी को मुझसे शक हो। फ्रूट भी क्या है देखो, लोकल सा दे दिया इन्होंने, कुछ नहीं किया ज़ैनब। एक और भी हिरापी में, एक और भी थी। ठीक है, और यहाँ पे वेट कर रहे थे बाप, पीछे पीछे आए आपके। ठीक है पापा, कुछ खाना है? कह रही है कुछ खाना है। खाना नहीं है, पीने पीने प्यास लगता। आपके पीछे आ रहे हैं, आप चले बनने। हाँ पापा ने बनना होगा, और पापा कह रहे रुको। वहाँ से हम कुछ लेने लगे हैं। कोल्ड ड्रिंक नहीं है, मैंने जूस नहीं पीना, मुझे कोल्ड ड्रिंक चाहिए। हाँ की बॉटल, सिंपल पानी की बॉटल भी ले लो और कोई कोल्ड ड्रिंक भी ले लो। क्या लें? सो हमने सामान ले लिया है। अरे पापा कहाँ गए? अंदर ही हैं, भी गाड़ी में जा रहे हैं। ठीक है, फाइनली हम पहुँच गए। उधर पार्क करनी है। ठीक है, ज़ैनब के अपने स्कूल वालों ने ज़ैनब को रिजल्ट दे के कहा पुत्र कार जाके पढ़, चल आई बड़ी स्विमिंग करने। नहीं उन्होंने कहा बच्चे टाइम खत्म हो गया, तुझे कराते हैं कल जाऊंगी ना। तो जी ज़ैनब हो चुकी है गाड़ी में लॉक, वहाँ से निकल नहीं सकती क्योंकि पार्क हो चुकी हुई है। और बड़ी मेहनत में शक्कत से निकल रही है, ध्यान से बस गाड़ी गंदी ना हो, बाकी जो मर्जी हो जाए, तुम्हारी टांगे टेढ़ी मेढ़ी हो देख के। अभी आप भी करने लगे गाड़ी लॉक। लेट्स गो।
और सबको कहानी बताती हूँ तुम्हारी स्विमिंग पूल की, वल्लाह मजा आ जाएगा। मामा 1:10 पे तो ये घर से निकली है और 1:10 पे इसकी स्विमिंग शुरू होगी। इसने मुझे कहा 1:30 पे, मैंने कहा मैं तुम्हें 1:30 तक पहुंचा। वो कहते हैं अब तो हम स्विमिंग पूल से बच्चे निकाल रहे हैं। रिजल्ट लेके वापस आ गई है। सो तो सारा दिन ड्राइवर बनने के बाद अब मेरे अब बनेगी, अब हीरा बनेगी वीडियोग्राफर। हाँ, अब मुझे एक और ड्यूटी मिल गई है, वो ये किराबे की वीडियोग्राफर हीरा फैसल, स्टाइलिस्ट भी खुद ही हो तुम। एक्चुअली मैं ये मुझसे लंबी से लग रही है, इसे बहुत ज़्यादा हील पहनी हुई है। अच्छा, इसको हम बता ना लोगों को लगते कि मैं टिड्डी हो। टिड्डी टिड्डी तो नहीं हो लोगों से पूछो। ये वो है जिसको लोग कहते हैं चुप करो टिड्डी। जब खूबसूरती आ जाती है फिर टिड्डा बन भी बता। अच्छा, तो ये ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है यार। ये देखो अपना टैग तो उतार लो यार, टैग वैसे ही लगा, वैसे बनाओगी वीडियो। मेरे सारे पोल खोलो। सो गाइज, आज के दिन की प्लानिंग कुछ इस तरह से खराब हुई। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने इस वीडियो को लाइक करना है और अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स को भेजना है। प्लस आपने कमेंट करके ये बताना है कि अगर आप ज़ैनब की जगह होते तो आप क्या करते। तो पूल पार्टी के मोमेंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड।